हेलो फ्रेंड्स, किसको किसको मम्मी के हाथ का मक्खन पसंद है? फ्रेंड्स, जिसको खाना है वो एक लाइक करिए। और साधना चतुर्वेदी ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए मैंने मक्खन निकाला है अपने हाथों से, देखिए कैसा है। ये देखिए ताज़ा ताज़ा मक्खन। फ्रेंड्स, मक्खन खाना है तो आ जाइए। ये देखिए लड्डू बना है, ये देखिए बिल्कुल लड्डू बना है। ये देखिए हम जूम करके दिखाते हैं, ये ताजा मक्खन है ना फ्रेंड्स। अच्छा, मैं अपने घर में अपने दूध से निकालती हूँ मक्खन। फ्रेंड्स, बच्चों के लिए बाहर का घी नहीं मंगाती हूँ, उसी मक्खन से मैं घी बनाती हूँ। मक्खन मेरा बेटा खाता है, लेकिन फिलहाल वह स्कूल गया है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है मक्खन। फ्रेंड्स, कैसा लगा मक्खन मेरे हाथ का बना, कमेंट करके बताइएगा। और ये मक्खन बटर जो भी लोग बटर कहते हैं इंग्लिश में, और हम लोग तो मक्खन ही कहते हैं ना, छाछ मक्खन। वो तो छाछ देखिए निकल गया है इतना, और बाकी मैंने सारा जैस को दे दिया है, और इतना छाछ निकला है। ये भी जैस ही खाएगा। जैस बहुत मजे से खा रहे हैं, देखिए जहां जहां गिरा है जैस बहुत मजे से खा रहे हैं। और ये जैस खाएंगे हमारे। और फ्रेंड्स, बताइएगा मक्खन कैसा मेरा बन रहा है। देखिए तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा मक्खन घी बन चुका है, और देखिए कितना अच्छा घी घर का बन गया। मक्खन रखते इतने दिन तो खराब हो जाता, और इतना मक्खन तो कोई खा भी नहीं पाता, इसलिए मैंने घी बना दिया उसे। और हमारा घी देखिए इसका लुक कैसा आ रहा है, और 10 मिनट में तैयार हो गया हमारा घी। बाय बाय।